मोदी ने रावड़ी को बताया है घरेलू महिला। आरजेडी ने पूछा, 50 साल तक पीएचडी होल्डर को सीएम बनने से किसने रोका? जी हां, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 25 जुलाई 1997 अपनी पत्नी रावड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। इसे बेशक 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी इसे भूले नहीं है। वे लालू को याद दिलाते रहते हैं कि एक घरेलू महिला को सत्ता की चाबी दी गई थी। एक बार फिर उन्होंने रावड़ी को घरेलू महिला कहा है, जिस पर आरजेडी और लालू की बेटी रोहिणी ने पलटवार किया है। रावड़ी के बहाने लालू यादव पर सुशील मोदी ने हमला बोला। दरअसल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर लोगों को बधाई दी। इस पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, घरेलू महिला रावड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनवाकर क्या लालू प्रसाद संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्रांति कर रहे थे, जिसने सत्ता को बेनामी संपत्ति बनाने का निर्लज माध्यम बनाकर जेपी की संपूर्ण क्रांति का विकृत मॉडल पेश किया। उन्हें संपूर्ण क्रांति दिवस पर ज्ञान देने के बजाय प्रायश्चित करना चाहिए। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता के हमले पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जयंत जिज्ञासु ने कहा है कि देश आजाद हुआ 15/8/47 को और लालू जी सीएम बने 10/3/9 को, बीच के 43 वर्षों तक किसी ने रोका था? बिहार में किसी ने पीएचडी पोस्ट डाक की हुई महिला को सीएम बनाने से? रावड़ी देवी जी तो 25/7/97 को सीएम बनी और आजादी के 50 वर्षों बाद आते ही बिहार की हर कमिश्नर में ओबीसी ईबीसी लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोला। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है। रोहिणी ने लिखा है कि आपकी मानसिकता बता रही है कि घरेलू महिला या महिलाओं के प्रति कैसी आपकी ओछी सोच है, जिसको माँ बहनों का भी सम्मान करने का संस्कार नहीं, वो नेता तो क्या इंसान कहनाने के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने नोट में लिखा है कि महिलाओं के प्रति ऐसी घिनौनी सोच के कारण डबल इंजन की सरकार ने बालिका गृह कांड को अंजाम दिया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।